चलिए, तो कल मैंने आपको ओवरऑल स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताया, फिर मैंने आपको ये सब बताया कि स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, स्टोमेटा किस टाइप के प्लांट में एब्सेंट होता है, किस टाइप के प्लांट में प्रेजेंट होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्टोमेटा, चार ऑप्शन दे रहा हूं, स्टोमेटा दिन भर खुले रहते हैं रात भर बंद रहते हैं, पहला ऑप्शन, दिन भर खुले रहते हैं रात भर बंद रहते हैं, पहला ऑप्शन, रात भर खुले रहते हैं दिन भर बंद होते हैं, दूसरा ऑप्शन, मैं नॉर्मल प्लांट के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हुआ कि दिन भर बंद रहते हैं रात भर खुले रहते हैं, तीसरा ऑप्शन, दिन भर खुलते रहते हैं बंद होते रहते हैं, रात भर भी खुलते रहते हैं बंद होते रहते हैं, पांचवा ऑप्शन, रात भर बंद रहते हैं और दिन भर खुलते और बंद होते हैं। क्या लगता है आपको स्टोमेटा के बारे में? फर्स्ट ऑप्शन, तो दिन अच्छा, दिन में खुला रहता है दिन रात में खुला को। रहता है सर, रात को क्लोज रहता है नॉर्मल। तो यानी कि दिन भर स्टोमेटा खुला हुआ है, स्टोमेटा पूरी दिन भर खुला हुआ है, क्या लगता है? तो यस, स्टोमेटा दिन भर खुला रहता है, नॉर्मल प्लांट की मैं बात कर रहा हूं, स्टोमेटा दिन भर खुला रहता है। और ये दिन भर का मतलब क्या है, जब तक सनलाइट रहेगा तब तक स्टोमेटा खुला रहेगा, सनलाइट जाते ही स्टोमेटा धीरे धीरे क्लोज होगा और सनलाइट पूरी तरीके से आने के बाद स्टोमेटा बंद रहेगा, फिर स्टोमेटा तब खुलेगा जब सनलाइट आएगा। तो स्टोमेटा दिन भर खुले रहते हैं रात भर बंद रहते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट होता है कैंप प्लांट में, जहां होता है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, बता रखा हूं मैं बात। तो भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं ट्रांसपायरेशन, मैंने आपको कल भी बोला था ट्रांसपायरेशन इज नथिंग, ट्रांसपायरेशन इज जस्ट अ सिंपल डिफ्यूजन, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल हीट एनर्जी को गेन करके वेपराइज हो जाती है, इवोपरेट हो जाती है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, जस्ट सिंपल डिफ्यूजन, इट इज अ फिजिकल फिनोमिना, और ट्रांसपायरेशन का कोई मैकेनिज्म ही नहीं होता, सिंपल डिफ्यूजन है। तो हम मैकेनिज्म किस चीज का पढ़ते हैं, हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का मैकेनिज्म और ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म एंटायरली डिफरेंट है, बट दिस टू इवेंट्स आर कोरिलेटेड, स्टोमेटा ओपन क्लोज होंगे तो ट्रांसपायरेशन स्टार्ट और क्लोज होगा, मगर दोनों का प्रोसेस कनेक्टेड नहीं है, दोनों फिनोमिना आपस में कोरिलेटेड हैं, डिपेंडेंट हैं, मगर प्रोसेस दोनों का आपस में मिक्स नहीं है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म, हाउ स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज। और भाई साहब, ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग ढूंढने में प्लांट फिजियोलॉजी के साइंटिस्ट की जिंदगी की ऐसी की तैसी हो चुकी है, ना जाने 100 साल लगे हैं इस मैकेनिज्म को ढूंढने में, मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या कैसे हुआ। सबसे पहले एक मिस्ट्री था, आपने सुना होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी के दौरान जब ये स्टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग का मैकेनिज्म ढूंढने जाने लगा, तो स्टार्टिंग में एक थ्योरी आई जिसको हम लोग K+H+XL थ्योरी कहते हैं, जो दिया था किसने, लेविट ने। ठीक है, आज हम लेविट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में किसने सबसे पहले सोचा होगा, हम वहां से शुरू करेंगे। पहले हम नॉर्मली सोचते हैं स्टोमेटा कैसे खुलता होगा और बंद होता होगा, ये स्टोमेटा आपके सामने मैंने स्टोमेटा बना रखा है, सब्सिडरी सेल, ये सारे सब्सिडरी सेल हैं, इसके नीचे इधर ये कौन सा सेल होगा, ये कौन सा सेल होगा, मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल, मीजोफिल ये हो गया तुम्हारा स्टोमेटल कैविटी, ये हो गया गार्ड सेल, और ये हो गया सब स्टोमेटल कैविटी। ठीक है, तो होता क्या है, स्टोमेटा का ओपनिंग का मैकेनिज्म आपको हम पहले बताते हैं। होता क्या है, जैसे जैसे इस गार्ड सेल के अंदर किसी कारणवश एक्सेस वाटर का एंट्री करा दें, अब वो एक्सेस वाटर का एंट्री कैसे होगा ये किसी को पता नहीं चला, बाद में पता चला। चलो अभी आप मान लो कि इस गार्ड सेल के अंदर वाटर का एक्सेस एंट्री हो रहा है, चलो अब आप खुद बताओ, जो आप पढ़े हो वो नॉलेज अप्लाई करो, गार्ड सेल के अंदर वाटर का एंट्री, एक्सेस वाटर का एंट्री, इससे गार्ड सेल का क्या बढ़ेगा, टर्गर प्रेशर, टर्गर टर्गर प्रेशर, प्रेशर अगर गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो जल्दी से बताओ ये टर्गर प्रेशर किधर की तरफ लगता है, दीवारों की तरफ, यस और नो? यस सर, अगर दीवारों की तरफ लगेगा तो बाहर वाली दीवार और मोटी वाली दीवार में कौन ज्यादा पतली है, बाहर वाली दीवार तो बाहर बाहर वाली वाली दीवार पर पतली। ज्यादा प्रेशर लगेगा और बाहर वाली दीवार बाहर की तरफ धक्का मारेगी, लेकिन बाहर वाली यस दीवार सर, अंदर वाली दीवार के साथ सेल्यूलोज मैक्रोफाइबुल से अटैच्ड है, तो बाहर वाली दीवार जब बाहर की तरफ धक्का मारेगी तो अंदर वाली दीवार को भी खींच लेगी, अंदर वाली भी इलास्टिक है बाहर वाली भी इलास्टिक है, तो फिर बाहर वाली ही पहले क्यों धक्का मारेगी, क्योंकि पतली है, तो जब बाहर वाली धक्का मारी जाएगी तो रेडियल सेल्यूलोज मैक्रोफाइबुल से ये जो अंदर वाली दीवार है वो भी बाहर की तरफ धक्का मारी जाएगी,
ये सेम फिनोमेना इधर चल रहा है, ये सेम फिनोमेना इधर चल रहा है, यानी कि टारगेट प्रेशर बढ़ने से दीवारों पर जो टारगेट प्रेशर बढ़ा, आउटर वॉल पुल हुआ, आउटर वॉल पुल हुआ टारगेट प्रेशर से, और रेडियल सेलुलर माइक्रोफैबुली से इनर वॉल पुल हो गया। तो जो स्टोमेटल एपर्चर है, स्टोमेटा की जो कैविटी है, उसका पोर बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। अब मुझे बताओ कि मैंने बोला कि एक्सेस पानी आ रहा है इसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर, जिससे इसका टारगेट प्रेशर बढ़ रहा है, वैसे में तो सेल फट जाएगा? नहीं फटेगा। अगर इसके अंदर एक्सेस वाटर आ रहा है, कहां से आ रहा है? जैलम फ्लेम से आ रहा है, बगल में जैलम फ्लेम है, वेस्कुलर बंडल है, सब आपको लिख में पढ़ा देता है, जैलम फ्लेम से आ रहा है। तो इस गार्ड सेल के अंदर वाटर आते जा रहा है, ठीक है, स्टोमेटा खुल गया। स्टोमेटा क्यों खोले? स्टोमेटा इसलिए खोले कि अब जो गार्ड सेल का पानी है, वो गार्ड सेल का पानी स्टोमेटल एपर्चर में पसीज पसीज किया आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि अंदर का पानी बहुत ज्यादा हो गया है, इधर से आ रहा है इसमें, और इधर से आ जाएगा इस स्टोमेटल कैविटी में। अब ये स्टोमेटल कैविटी में जो पानी आया है, ये स्टोमेटल कैविटी में जो पानी आया है, ये भरता जाएगा यहाँ पे, और ये पानी ये सब स्टोमेटल कैविटी में भी पूरा भर जाएगा, ये सब स्टोमेटल कैविटी में भी नीचे नीचे, अब फिल करो ना नीचे 3D में, ये पूरा सब स्टोमेटल कैविटी और स्टोमेटल कैविटी पूरा पानी से भर जाएगा जो गार्ड सेल में आया था एक्सेस वाटर। अब क्या होगा, चूंकि स्टोमेटा खुल गया है, तो क्या अब सनलाइट डायरेक्ट गिर रहा है यहाँ पे? यस और नो? सनलाइट डायरेक्ट गिर रहा है। अब उस सनलाइट में जो हीट एनर्जी है, उसको वाटर मॉलिक्यूल गेन करेगा और वेपराइज होना शुरू होगा। पहले पूरा पानी गर्म हो जाएगा, और जब पूरा पानी गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे वो वेपराइज होना शुरू होगा। तो पहले स्टोमेटल कैविटी का पानी निकलेगा, फिर धीरे धीरे सब स्टोमेटल कैविटी का पानी निकलेगा। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ से पानी निकलता जाएगा, तो जल्दी से बताओ, ये तो गार्ड सेल में एक्सेस वाटर आता जा रहा है, वो तो और तेजी से सब स्टोमेटल कैविटी में आता जाएगा, यस और नो? वो तो और तेजी से आता जाएगा। तो अभी स्टोमेटा ओपन है और ट्रांसपर्शन का फिनोमेना चल रहा है, स्टोमेटा ओपन है, ट्रांसपर्शन का फिनोमेना चल रहा है, जितना एक्सेस वाटर गार्ड सेल में आ रहा है, वो सारा का सारा वाटर स्टोमेटल कैविटी सब स्टोमेटी में गिरा, और यहाँ से ट्रांसपर्शन स्टार्ट हो चुका है। तब गार्ड सेल से पानी आता जाएगा, सब स्टोमेटिविटी में गिरता जाएगा, ट्रांसपरेशन होता जाएगा। लेकिन एक हद होगा यार, एक हद होगा। अब गार्ड सेल में एक्सेस वाटर का एंट्री रुक गया, हेलो, अब गार्ड सेल में एक्सेस वाटर का एंट्री रुक गया, मगर पानी तो जाता ही जा रहा था, इधर ट्रांसपरेशन हो रहा था, तो पानी जाता ही जा रहा था। तो मुझे बताओ, अब ट्रांसपरेशन स्टार्ट हो चुका है, तो वेपराइज होता ही जा रहा है, स्टोमेटल सब स्टोमेटिविटी का पानी घटता जा रहा है, तो अब गार्ड सेल में एक्सेस वाटर का एंट्री रुका, अब गार्ड सेल का नॉर्मल वाटर आने लगा सब स्टोमेटल कैविटी में। क्यों? क्योंकि सब स्टोमेटल कैविटी और स्टोमेटल कैविटी से ट्रांसपरेशन होकर वाटर का एक्सेस लॉस हो रहा है। तो अब मुझे बताओ, गार्ड सेल से वाटर का लॉस होगा या वाटर का एक्सेस हो जाएगा? लॉस। और अगर वाटर का लॉस होगा तो गार्ड सेल का क्या घटेगा, जल्दी बताओ? और नतीजा क्या होगा कि स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। देख लो नीचे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस पूरी फिनोमेना में ट्रांसपायरेशन का स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने से कोई लेना देना है क्या? नहीं। उसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म कोरिलेटेड है ही नहीं। ट्रांसपायरेशन तो जस्ट सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, हीट एनर्जी आया, वाटर एटमॉस्फेयर में कम ह्यूमिडिटी, यहां से रिलीज हो गया वाटर। और यहाँ ये सच बात है कि ट्रांसपायरेशन तब होगा जब स्टोमेटा खुलेगा, ये सच बात है। लेकिन स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग तो टारगेट प्रेशर से रिलेटेड है। अब सुनना मेरी बात, ये बात तो हर कोई जान रहा था कि ठीक है, स्टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग टारगेट प्रेशर से रिलेटेड होगा, मानते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा था कि इसका टारगेट प्रेशर बढ़ता कैसे। ये हाइपोथेसिस सब दे रहे थे, मुझे मेजर बोटनिस्ट सही बोल रहे थे कि टारगेट प्रेशर के बढ़ने की वजह से ये स्टोमेटा जो है ओपन होता है, और फिर बाद में टारगेट प्रेशर के घटने ही की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। फिर कोई नहीं बता पा रहा था कि ये फिनोमेना कैसे हुआ। अब देखो, नॉर्मल फिनोमेना आपको पता चल चुका है कि ओपनिंग कैसे और क्लोज कैसे। एक्सेस वाटर एंट्री होगा गार्ड सेल में, तो टारगेट प्रेशर बढ़ेगा, सेल बन जाएगा टर्जिड। टारगेट प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इज हाई, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज पुश्ड, आउटर वॉल पुश हुआ है, और इनर वॉल टुवर्ड्स ड्यू टू टारगेट प्रेशर, आउटर वॉल पुश हुआ, धक्का मारा गया, और इनर वॉल पुल किया गया है विद द हेल्प ऑफ सेलुलर माइक्रोफैब्रिल, और स्टोमेटल का एपर्चर क्या हो गया, ओपन हो गया, और इसका जस्ट अपोजिट कहाँ हो जाएगा, क्लोज। जब एक्सेस वाटर लॉस हो जाएगा, तो अब गार्ड सेल का नॉर्मल वाटर आएगा यहाँ पे, वो भी ट्रांसपायर हो जाएगा, तो पुअर वाटर इन गार्ड सेल, टारगेट प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इज लो। जब टारगेट प्रेशर जीरो हो जाएगा, मतलब फ्रेशर सेल बन जाएगा, तो आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज नॉट पुश्ड, नॉट पुश्ड तो नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा,
इनर वॉल भी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, स्टोमेटा अपर्चर क्लोज। ध्यान रहे स्टोमेटा का अपर्चर पूरी तरीके से क्लोज कभी नहीं होता है, देख लो थोड़ा सा खुला हुआ है, दिख रहा है, पूरा कभी क्लोज नहीं होता है, मतलब इतना क्लोज हो जाता है कि ट्रांसपिरेशन रुक सकता है, पूरा क्लोज कभी नहीं होता। अब मुझे बताओ जब ये स्टोमेटा खुली थी, हेलो, क्या स्टोमेटा के जस्ट नीचे मेसोफिल सेल था, यस और नो? यहाँ पे मेसोफिल सेल था, यस। जब ये खुली थी उसी समय इस स्टोमेटा से धराधर धराधर मेसोफिल सेल ने CO2 लिया था, धराधर धराधर मेसोफिल सेल ने CO2 लिया था, और पता है क्यों लिया था, जल्दी बताओ, फॉर द प्रोसेस ऑफ जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे थे तो ये O2 भी रिलीज कर दिया धड़ाधड़ इसी से। तो मुझे एक बात बताओ, जब स्टोमेटा खुलता है तो केवल ट्रांसपिरेशन होता है क्या? नहीं, केवल ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। और मैं आपको हकीकत बता दूं, स्टोमेटा का खुलना और क्लोज होना बेसिकली होता है CO2 अपटेक के लिए, होता है CO2 अपटेक के लिए, मगर जब खुलता है तो ऐसे टाइम में खुलता है कि सनलाइट अवेलेबल है, ट्रांसपिरेशन भी हो जाता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइमरली होता है CO2 अपटेक के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय मेसोफिल सेल। मगर चूंकि वो खुलता है तो ट्रांसपिरेशन इज जस्ट अ सिंपल डिफ्यूजन बाय यूटिलाइजिंग हीट एनर्जी ऑफ सोलर लाइट, तो वो हो जाता है, बस हो जाता है। चलो ठीक है, अब साइंटिस्टों ने दिमाग लगाना शुरू किया कि भाई ये टर्गर प्रेशर आखिर कैसे बढ़ सकता है, टर्गर प्रेशर के बढ़ने के पीछे क्या कारण है। अब आप दिमाग लगाओ, इतना प्लांट फिजियोलॉजी आपको मैंने पढ़ा दिया, आप दिमाग लगाओ टर्गर प्रेशर कैसे बढ़ सकता है एक गार्ड सेल का, जल्दी से दिमाग लगाओ, जल्दी से। गार्ड सेल जलम से पानी लेता है? नहीं, अब समझो ये बात, आप क्या बताओगे, बहुत सारे लोग नहीं बता पाए, आप तो फिर भी बच्चे हो। ये बात 100 सालों तक मिस्ट्री रही, 100 सालों तक लोगों ने इस पर काम किया, लगभग टर्गर प्रेशर बढ़ कैसे रहा है, टर्गर प्रेशर बढ़ कैसे रहा है, कई सारे लोगों ने थ्योरी दिया और गलत भी दिया। और आपको पता है ये गलत थ्योरी स्कूल की टीचर्स लोग पढ़ाती भी है। गलत थ्योरी क्या है, गलत थ्योरी ये बताया जाता है कि जो ग्लूकोज है, सटा दे देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये मतलब ये स्कूल लेवल पे ठीक है, चल जाता है स्कूल लेवल पे, वो मैडम लोग नहीं होती छोटी छोटी सी डॉल टाइप की मैडम आती है पढ़ाने के लिए, स्कूल में कुछ भी पढ़ा देती है, वो लोग गलत कंसेप्ट पढ़ा दी, सही पढ़ा दी, कोई बट नहीं, बस सुंदर है, बस यही उसके लिए अपने आप में एक डिग्री है कि सुंदर है वो टीचर है। क्या गलत कंसेप्ट पढ़ाती है सुना ध्यान से, कहती है ये थ्योरी दिया गया था, हालांकि गलत थ्योरी दिया गया था पहले स्टार्टिंग पीरियड में। क्या थ्योरी दिया गया था कि दिन में फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, फिर वो स्टार्च बनता है और वो स्टार्च आता है गार्ड सेल के अंदर, और गार्ड सेल के अंदर वो स्टार्च जो है फिर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर ऑस्मोटिकली एक्टिव है, तो इससे क्या होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से वाटर अपटेक होने लगता है, एंडोस्मोसिस होने लगता है, और एंडोस्मोसिस होने से टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। सुनने में अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये सुनो, सुनने में अच्छा लगा कि नहीं लगा, और आपको भी लग रहा होगा एक्सप्लेनेशन सही है, यस और नो, यस और नो? अरे एक्सप्लेनेशन तो सही लग रहा है यार, इसमें गलत क्या है? Yes, तो स्कूल की जो छोटी छोटी डॉल वाली मैडम होती है, लिपस्टिक लगा के काजल लगा के आती है, वो लोग यही पढ़ाती है, आज भी वो लोग यही पढ़ाती है स्कूल में, जो सरासरी गलत है, सुनने में अच्छा लगता है सरासरी गलत है। और ये कंसेप्ट कई सालों तक, 15-20-25 सालों तक ये कंसेप्ट मार्केट में भी खूब चला जब आया था ये थ्योरी। किसने दिया मत जानो, गलत चीजों के बारे में जान के क्या करोगे, वो तो भाग्य करो। एक जापानी बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था श्री फुजिनो, नाम भी नहीं सुना होगा आपने इनका, वो आपकी मैडम भी नहीं सुनी होगी स्कूल वाली मैडम डॉल वाली, फुजिनो जापानी साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे। फुजिनो साहब ने क्या किया, उन्होंने पहली बार को रिलेट किया, उन्होंने बोला देखो ऐसा नहीं है कि जो लोग कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है, ये बात सही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो एंडोस्मोसिस होगा। देखो एक बात बताओ, किसी कारण बस इस सेल के अंदर कोई सोल्यूट का एंट्री करा दो तो बताओ सोल्यूट एंट्री होने से गार्ड सेल का क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर ओपी बढ़ेगा तो एंडोस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, और उसके वजह से फिर टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर बाकी फिनोमेना तो आप समझ ही चुके हैं। तो ये जो स्कूल की मैडम लोग पढ़ाती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, ये गलत नहीं है, लेकिन जो मैडम लोग ये पढ़ाई है कि इसके अंदर स्टार्च जाता है और स्टार्च फिर यहाँ शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है,
इस बात को डिनाई किया किसने, श्री फुजिनो ने। और जो साइंटिस्ट ऐसा कंसेप्ट दिए थे उनकी कंसेप्ट फिर वो रिजेक्ट कर दी गई। क्या बोला फुजिनो ने, फुजिनो ने पहली बार ऐसा बोला कि एक्चुअल में ये स्टार्च एंट्री नहीं करता है, एक्चुअल में एंट्री करता है पोटेशियम के प्लस, एक्चुअल में एंट्री करता है के प्लस। और के प्लस के प्लस क्या है, सॉल्यूट है या नहीं है, के प्लस के एंट्री करने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से एंडोस्मोसिस स्टार्ट हो जाता है। और जब एंडोस्मोसिस स्टार्ट हो जाता है तो इसका टर्गर प्रेशर बढ़ने लगता है, जब टर्गर प्रेशर बढ़ने लगता है तो आउटर वॉल पुश होता है, इनर वॉल कूल होता है, स्टोमेटल प्रेशर ओपन हो जाता है। फिर जब एक्सेस वाटर लॉस हो जाता है तो एक्सेस वाटर लॉस होने के बाद टर्गर प्रेशर घटने लगता है, तो उस दौरान ये के प्लस फिर रिमूव बाहर निकल जाता है और फिर उसके बाद ये हो जाता है, के प्लस बाहर निकला, ऑस्मोटिक प्रेशर घट गया, एंडोस्मोसिस रुक गया, अब उल्टे एक्सोस्मोसिस होने लगता है और उसके बाद जो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। सबसे पहली बार ऐसा बोलने वाले साइंटिस्ट श्री फुजिनो, जापानी साइंटिस्ट, जापानी बॉटनिस्ट थे। लेकिन दुर्भाग्यवश फुजिनो साहब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। लेकिन हाँ, जिंदगी में पहली बार ऐसा किसी ने बोला कि ये सारा फिनोमेना पोटेशियम की वजह से हो रहा है, पहली बार ऐसा बोला किसी ने साइंस की कम्युनिटी में। उससे पहले तो स्टार्च और शुगर ही चल रहा था। तो फिर जब ये बात बोला फुजिनो ने, तो फिर बाद में एक साइंटिस्ट है लिबिट का दिमाग खनक गया, ये बात सच बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अगले चैप्टर प्लांट मिनरल एनोटेशन में पढ़ाऊंगा कि पोटेशियम जो होता है ना, एक ऐसा मिनरल है, एक ऐसा आयन है जो फ्री फॉर्म में मिलता है, बाकी सारे मिनरल किसी न किसी स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट का हिस्सा होता है, बॉन्डेड होता है, पोटेशियम फ्री फॉर्म में होता है। तब लिबिट ने सोचा कि हम फुजिनो के बात को आगे बढ़ाएं, फुजिनो सही कह रहे हैं। फुजिनो के पास किस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं था, नहीं दे पाए, फुजिनो ये नहीं बता पाए कि पोटेशियम दिन में ही क्यों एंटर करता है और रात में ही क्यों एग्जिट करता है गार सेल को। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल प्लांट के अंदर स्टोमेटा दिन में खुला रहता है और रात को क्लोज होता है, और अब आप समझ चुके हैं पोटेशियम के इनफ्लक्स से स्टोमेटा खुलेगा या बंद होगा, खुलेगा मतलब पोटेशियम के एंट्री से स्टोमेटा खुलने वाली जैसी बात हो रही है, और पोटेशियम के इफ्लक्स मतलब एग्जिट से क्या होगा, स्टोमेटा बंद होगा। तो हम सभी देखते हैं कि प्लांट का, नॉर्मली प्लांट का स्टोमेटा दिन में खुला रहता है, रात को बंद रहता है। फुजिनो इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि पोटेशियम रात को ही क्यों एंटर करता है, सॉरी दिन को ही क्यों एंटर करता है गार्ड सेल में और रात को ही एग्जिट क्यों करता है, इस बात का एक्सप्लेनेशन फुजिनो के पास नहीं था। लेकिन एक बात जानिएगा, हाँ ठीक है, आज आप लेविट के बारे में जानते हैं, आपके लेवल पे लेविट के बारे में बताया जाता है, मेजोरिटी लोग लेविट की ही बात करते हैं कि के प्लस एच प्लस एक्सेस थ्योरी, मगर आपको पता है लेविट ने ये पूरा थ्योरी श्री फुजिनो के स्टेटमेंट को पढ़ के ही दिया था। आज आप फुजिनो को भूल ही गए, कहानी वहां से शुरू होती है। अब के प्लस एच प्लस एक्सेस थ्योरी क्या, वो तो कल मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा, मैं आपको भूमिका बांध रहा हूँ ट्रांसपरेशन को समझने की कि कैसे यह K प्लस का सीन आया सामने। अब K प्लस X प्लस एक्सेस थ्योरी बार में लेविट ने दिया और वो इसी कंसेप्ट को बस ये एक्सप्लेन कर दिए कि रात को पोटेशियम क्यों एग्जिट करता है और दिन को पोटेशियम क्यों एंटर करता है, और इसका वो मींस निकाले CO2 और pH के लेने देने से। बोले रात को ही, सॉरी दिन को पोटेशियम का एंटर करना CO2 और pH डिसाइड करता है गार्ड सेल का, और रात को फिर एग्जिट भी CO2 और pH डिसाइड करता है। वो कैसे, वो समय कल मैं डिटेल में बता दूंगा, वो K प्लस H प्लस एक्सेस थ्योरी। तो फिर फुजिनो ने क्या बोला, फुजिनो के पहले क्या बात चल रही थी, ये सोचो फुजिनो के पहले क्या बात चल रही थी, सबसे पहले क्या बात आई थी, एक बार बताओ, सबसे पहले सोचो, सबसे पहले बात आई थी कि टर्गर प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, स्टोमेटा खुलता है, और टर्गर प्रेशर घटने से स्टोमेटा क्लोज होता है। लेकिन वो आधा अधूरा एक्सप्लेनेशन था। साइंस आगे बढ़ा, फिर एक्सप्लेनेशन आया कि टर्गर प्रेशर कैसे बढ़ा, तो एंडोस्मोसिस से। फिर सवाल खड़ा हुआ कि एंडोस्मोसिस कैसे हुआ, तो फिर पता चला पहले ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाया गया और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से एंडोस्मोसिस अपने आप स्टार्ट हो गया। तो फिर सवाल आया कि एंडोस्मोसिस कैसे हुआ, तो फिर आया गलत कंसेप्ट क्या आया कि जो फोटोसिंथेसिस में मेसोफिल सेल बना रहा होता है स्टार्च, वो स्टार्च ट्रांसपोर्ट करके गार्ड सेल में भेज दिया जाता है, उससे वहां पे शुगर बनता है, वो डिजॉल्व होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जो गलत कंसेप्ट था। फिर फुजिनो ने उसको सही किया, बोला नहीं के प्लस आता है अंदर। फिर बाद में लेविट ने सही एक्सप्लेनेशन दिया कि नहीं फुजिनो सही करें, लेकिन ये होता क्या है कि रात को और दिन को, उसका एक्सप्लेनेशन। तो यानी अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने ये सीखा कि स्टोमेटा का क्लोजिंग और ओपनिंग दिन और रात में जो होता है वो पोटेशियम के इन्फ्लक्स और इफ्लक्स से होता है। फिनोमेना सब कुछ वही है,
अब मुझे केवल ये समझाना है कि ये आखिर पोटेशियम के एंट्रोस्टोमेटा कैसे खुला और ये दिन को ही क्यों खुला, और पोटेशियम के एग्जिस्टर कैसे स्टोमेटा बंद हुआ और ये रात को ही क्यों बंद हुआ। क्या कोई बच्चा मुझे समझा सकता है इस बात को कोरिलेट करके? है आपके पास एक्सप्लेनेशन? सर सर जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो रूट में और लीफ में वाटर ग्रेडियंट होगा सर वहां पे, तो जब प्लांट वाटर अपटेक करेगा सर तो उसी के साथ ही पोटेशियम भी तो आएगा और ये फिनोमेना दिन में चले। सर फर्जी बात है, इससे फर्जी बात है। इससे पहले तो आप ये भी नहीं जानते होंगे कि ये पहले पोटेशियम की पहले बात आई है, एच प्लस तो बाद में बात आया है, के प्लस एच प्लस थ्योरी में आपको कल पढ़ाऊंगा, पहले बात केवल पोटेशियम की आई है। और ये जो आप बोल रहे हैं रूट और स्टेम ये सब फर्जी बात है, फर्जी वाला है। चलो अब हम चलते हैं डायरेक्ट उस के प्लस एच प्लस एक्शन थ्योरी पे। पहले यहां तक की आप सारी बातें देख लो, अगर यहां तक में आपको कोई दिक्कत है तो फिर मेरे को जल्दी से बोल लो। और ये सब बातें मैकेनिज्म ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो कि लिविट ने दिया, के प्लस एच प्लस एक्शन थ्योरी जिसको हम एक्टिव प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी कहते हैं, उसको हम कल देखेंगे। आज आपने टाइम खराब कर दिया हमारा। अगर यहां तक कोई दिक्कत है, समस्या है तो मेरे को जल्दी से बताओ। हाँ विवेक, राजेश्वरी सर जब क्लोजिंग का टाइम आता है जब ये कैसे पता करेंगे सर कि उसका वाटर जो है अब वो एक्सेस वाटर इवेपोरेट नहीं करेगा सर? टर्गर प्रेशर जीरो हो जाएगा, सेल्फ लेसिड हो जाएगा, आप कुछ भी पता नहीं कर सकते हैं भाई साहब, आप कुछ भी पता नहीं कर सकते हैं। अलग अलग स्टेजेस का ट्रांसपिरेशन का जो अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग टाइमिंग में सेल का स्टडी किया गया है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, और उससे जाके पता लगाया गया है। आप नेकेड आई से देख के कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ और बताइए। यस सर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तो हाँ रिभा कोई डाउट है? नो सर। सृष्टि? नो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये के प्लस एच प्लस एक्सेस थ्योरी में कुछ भी नहीं है। अगर आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई है, क्या बात है, मुद्दा क्या है कि किसी कारण से के प्लस एंटर करेगा, कैसे, क्यों करेगा, कब करेगा, ये बात हम कल देख लेंगे। किसी कारण से के प्लस एंटर करेगा, जल्दी बोलो। अब आप एक सुर में बोलो, के प्लस एंटर करने से गार्डसेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से गार्डसेल के अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे डायरेक्ट ओपी से टीपी बढ़ा रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से क्या फिनोमेना स्टार्ट होगा? नसेड़ी, एक्जोस्मोसिस, ओपी बढ़ा के एक्जोस्मोसिस करा रहे हैं। जल्दी से के प्लस एंटर करेगा, के प्लस के एंटर करने से क्या बढ़ा? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से क्या स्टार्ट हो गया? एंडोस्मोसिस स्टार्ट होने से गार्डसेल का क्या बढ़ा? टर्गर प्रेशर बढ़ने से किस दीवार को धक्का लगा, किस दीवार को खींचा गया? आउटर वॉल को पुल किया गया, पुश किया गया, आउटर वॉल को पुश, इनर वॉल को पुल किया गया, तो इसकी वजह से स्टोमेटल एपर्चर का क्या हो गया? ओपनिंग हो गया, बढ़ गया। ओपनिंग क्या हो गया? स्टोमेटल एपर्चर का एपर्चर बढ़ गया, उसकी वजह से क्या स्टार्ट हो गया? गार्ड सेल से पानी आने लगा एपर्चर में और हीट एनर्जी आ रहा है, वाटर का इवेपोरेशन स्टार्ट हो गया, दिस इज ट्रांसपिरेशन। अब सुनना ध्यान से, माइक बंद करो। के प्लस एच प्लस एक्शन थ्योरी तो उसके बाद ना स्टार्ट हुआ जी, यहां तक तो सारा बात फुजिनो ने ही कर दिया। अब इसके आगे जो कहानी स्टार्ट हुआ है, बस थोड़ा सा बातें ऐड की गई है और इतना बड़ा क्रेडिट मिल गया लेविट को। मैं आपको इस कहानी से क्या शिक्षा देना चाह रहा हूं पता है? ये आप जितने भी बड़े बड़े नाम पढ़ते हो ना, डीएनए आरएन में वाटसन क्रीक है, मॉर्गन जेनेटिक्स में है, अभी इधर लेविट का नाम पढ़ रहे हो, उधर रेवोल्यूशन में डार्विन का नाम पढ़ोगे है, ये जितने बड़े बड़े नाम पढ़ते हो ना, तो ये मत सोचना कि बड़े बंदे वो हैं, ये मत सोचना। साइंस में पता क्या होता है, छोटी छोटी बातों को कलेक्ट करके बड़ी बातें बनाई जाती है। आप इस लेविट के एग्जांपल से देख लो, इससे पहले कई सारे छोटे छोटे साइंटिस्टों ने छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और जब फाइनल शेप तक पहुंचा थ्योरी, तो फेमस कौन हुआ? लेविट, क्योंकि अंत में फाइनल शेप उन्होंने दिया। साइंस में ऐसा ही होता है, अगर किसी को नोबेल प्राइज मिल गया है इसका मतलब ये नहीं कि केवल वही तेज है और वही साइंटिस्ट है, उससे पहले के साइंटिस्टों के बारे में सोचो। और ये साइंस जस्ट वैसे है जैसे आप किसी लकड़ी में आग लगा रहे हो और आप माचिस डाल के किरोसिन तेल डाल के फूंक फूंक के कोशिश कर रहे हो, 10 लोग आगे फूंक के चले गए लेकिन आग नहीं लगी है,
लेकिन एक्चुअल में वो आग लगने का प्रयास जारी था। 11वां आदमी कोई आया, एक फूंक लगाया, आग लग गई और उसको आप नोबेल प्राइज दे दो। सच सच बताना, आग लगाने में क्या केवल उस 11वें लोगों का 11वें पर्सन का हाथ था? नहीं। इनफैक्ट जिसने लकड़ी कलेक्ट किया, जिसने किरोसिन तेल डाला, जिसने पहला माचिस डलाया, इन्वेस्टमेंट तो वहीं से शुरू हो गया था आग लगाने का। इससे पहले जितने भी 10 लोग थे उन सभी का रोल था इस आग लगाने में। भले ही नोबेल प्राइज तो किसी एक को ही मिलेगा ना, तो जो लास्ट में इस काम को फाइनलाइज किया नोबेल प्राइज उसको इन जनरल मिल जाता है, इन जनरल मिल जाता है। तो ये मत सोचना कि लेविट इतना फेमस है तो केवल उन्होंने ही ट्रांसपरेशन में ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का थ्योरी दिया है। नहीं, उससे पहले कई सारे लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया है। ये बात आपको पता नहीं होगा। इससे पहले आप लेविट थ्योरी, मतलब आप स्टार्ट कर देते हैं पोटेशियम एंट्री से, पोटेशियम एंट्री से लेविट थ्योरी नहीं है, फुजिनो थ्योरी है, फुजिनो स्टेटमेंट है। लेविट ने बस इतना बताया है कि पोटेशियम रात में ही क्यों एंटर, सॉरी दिन में ही क्यों एंटर करता है और रात में ही क्यों एग्जिट करता है। आज का समय भी टाइम अप हो रहा है, हम कल रात, सॉरी कल की क्लास में इस प्रोसेस को, ट्रांसपरेशन को पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, जो भी इसका मैकेनिज्म है और इसकी फैक्टर्स को भी डिस्कस कर लेंगे और ट्रांसपरेशन खत्म कर देंगे। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में कुछ मत पढ़ना, मैं कल पढ़ाने के बाद पूरी एनसीईआरटी ट्रांसपरेशन की एक साथ पढ़ने बोल दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।